हेलो सुनाओ। बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच द कंपाउंड रिएक्ट विद BCl5 गिव्स ए एंड इट्स रिएक्ट विद AgCN गिव्स बी। नेक्स्ट इज CH3CH2CH2Cl प्लस KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल गिव्स ए एंड देन ए रिएक्ट विद HBr गिव्स बी। आइडेंटिफाई कंपाउंड ए एंड बी इन द अबव रिएक्शंस। तो हमें ए और बी कंपाउंड बताना है, तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट इज रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन कंसिडर करें, दैट इज CH3CH2, इट इज CH और वहां पर आ जाएगा OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ दी गई है? सबसे पहले PCl5 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, देर इज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। जो क्लोरीन है वो OH को सब्सटीट्यूट कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, और क्लोरीन खुद OH की जगह पर लग जाएगा। सो दिस इज प्रोडक्ट ए। देन इसकी रिएक्शन किसके साथ गिवन है? विद AgCN। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये CN नेगेटिव है, दिस विल रिएक्ट ऑन, यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरीन लीक कर जाएगा। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH CH3CN। सो दिस विल बी प्रोडक्ट बी इन द फर्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट हमें गिवन था CH3B पार्ट CH2CH2Cl प्लस KOH। एरो पर हमें कंडीशन गिवन थी अल्कोहलिक, मीन्स हमें इथेनॉल गिवन था। वैसे तो इथेनॉल गिवन है मीन्स अल्कोहलिक कंडीशन है। तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH का काम क्या है? इट रिमूव्स और इट वर्क्स एज डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये काम करता है, मतलब एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से हेलोजन रिमूव कर देगा। मतलब इस कार्बन से तो ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा और दूसरे कार्बन से क्लोरीन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा, दैट इज CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ए। अब इसकी रिएक्शन गिवन थी आगे HBr के साथ। तो इस रिएजेंट में एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव इज एस एच पॉजिटिव और नेगेटिव इज बी आर नेगेटिव। यहाँ पर डबल बॉन्ड पे एडिशन करनी है, तो दिस एडिशन विल अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल मूव टू और विल गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। और नेगेटिव पार्ट किस पे अटैच हो जाएगा? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट किस पे जाके अटैच होगा? कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर अगर हम इनको नेम कर लें, दैट इज 1, 2 एंड 3, तो जो हाइड्रोजन है एच पॉजिटिव वो कहां पे ऐड हो जाएगा? फर्स्ट कार्बन पे। सो यहां से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 कार्बन CH3 और जो ब्रोमीन है वो सेकंड वाली पे अटैच हो जाएगा, कुछ इस तरह से। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट बी, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू फाइंड योर आंसर एंड अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।